राधे राधे। तो आज है दिन संडे का और हो रही है पूजा, क्योंकि अब साथ में बैठने का दिन अब संडे का ही मिलता है, क्योंकि बाकी के 6 दिन तो वो ही है, बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोगों का तो संडे भी ज़्यादा बिजी रहता है। बच्चे तो एक ही दिन के लिए फ्री होते हैं, अब स्कूल जाने लगे हैं। तो हम दोनों कर रहे थे पूजा, हमारी बेटी, और साड़ी पहन ली क्या, बस लपेट ली, क्योंकि साड़ी को मैं ज़्यादा देर तक झेल नहीं सकती। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं पहनी जाती, कोशिश करती हूँ, अच्छी भी लगती है, इंडियन लुक अच्छा सा आता है, पहनना भी अच्छा है, लेकिन उसको है ना ज़्यादा देर तक रखना वो अच्छा नहीं लगता। और काफ़ी टाइम पुरानी हो गई है, काफ़ी दिनों से रखी रहती हैं, नहीं पहनी जाती, एक दो बार पहन ली बस रखी है। तो हम लोग पूजा कर रहे थे, पूजा के बाद शुरू करेंगे अपना दिन। सुबह आ वैसे तो जल्दी जल्दी होती है, लेकिन बस आज बेटी भी जल्दी नहा ली थी तो हम लोग पूजा में बैठ गए थे, और बेटा जी हमारे सो रहे थे। वो है ना संडे के दिन लेट तक सोता है। संडे के दिन क्या, अगर उसको है ना बीच में अगर स्कूल ना जाना हो तो तब भी उसको काफ़ी लेट तक नींद आती है, 8-9 बजे तक भी सो जाता है। लेकिन मेरी और मेरी बेटी की आदत ये नहीं है, हम लोग पहले से ही, मैं आज तक 6 बजे के बाद नहीं सोई, और 6 तो मेरे कभी कभार बजते हैं, लेकिन वो ही है 5, 5:15 नहीं तो 5:30 लास्ट होता है। तो फिर मैं करने लगी थी आपसे बात, काम कर लिया था और साड़ी को मैंने निकाल दिया, चेंज कर लिया था, तो फिर अपने काम में लग गई थी। और लेकिन मैंने ना वॉइस ओवर इसलिए की थी क्योंकि है ना सब लोग घर पर थे तो बाहर से आवाज़ आ रही थी, दूसरे रूम में थे लेकिन फिर भी काफ़ी आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया। सारा घर नीट एंड क्लीन हो गया था, पूरा काम हो गया। और मैं बता रही थी कि मैं एक फ़ोन से वीडियो बन रही है और एक से मैं टाइम दिखा रही थी आपको, चार्जिंग पे लगे हैं, बस चार्जर तो फ़ोन के खाली नहीं होते हैं, लगे ही रहते हैं। बस अपने फिर काम करेंगे थोड़ी देर आपसे बातें करने के बाद, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था, दोपहर का बनाऊंगी। और आज है ना दोपहर में तो बाहर ही खाएंगे बच्चे, बस क्या करूँगी इनके लिए थोड़ा सा पास्ता बना दूँगी, और हम दोनों तो कुछ भी खा लेते हैं, जो सिंपल सादी रोटी खाते हैं जो भी मिल जाए। और गर्मी में तो वही है, लौकी तोरी की सब्जी और बस करेले, ऐसी सी सब ग्रीन वेजी है, तो वही उसमें से देख के कुछ बना लूँगी हल्का फुल्का सा। हम बाहर का अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर खाना, ना मुझे पसंद है ना इनको, हम लोग कम खाते हैं, बस बच्चे खा लेंगे, और बच्चे खाएंगे तो फिर भी इतना कहाँ खा पाते हैं, लेकिन शौक होता है। और संडे के दिन तो इन वैसे भी इनकी फरमाइशें बढ़ती रहती हैं। वैसे मैं पास्ता मैक्रोनी है ना उसमें नहीं बनाती, छुट्टी के दिन तो कभी बनाती ही नहीं थी, बस स्कूल जाते हैं बच्चे तो तब बनाती थी, लेकिन अब स्कूल का है ना बिल्कुल बंद हो गया है, स्कूल में जंक फूड नॉट अलाउड और ओनली वेजी, और रोटी चाहिए। और क्या होता है इनका फ्रूट ब्रेक होता है तो उसके लिए फ्रूट जाना होता है। तो बस फिर मैं इनके लिए कुछ बनाने लगी थी, और वही मैंने अभी आपको बताया था, तो अपने लिए बनाई थी हमने तोरी की सब्जी हम दोनों ने, और बच्चों ने खाया था मैक्रोनी, पास्ता बनाया था, पास्ता बोल दिए ने मैक्रोनी, वैसे होती है मैक्रोनी है। और तोरी की सब्जी मैं ना बिल्कुल सूखी बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इनके छिलकों की भी सब्जी बनाती हूँ मैंने वैसे निकाल के रख दिए थे, रेसिपी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सब्जी बनाने के बाद और मैक्रोनी भी कैसी खाते हैं बच्चे, बस उसमें ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए, ना उसमें मटर डलवाते हैं ना कुछ, सिंपल सादा खाते हैं। छोटा सा टमाटर डाला था मैंने, बस थोड़ा सा कलर आ जाए, मैंने कहा अजीब सा लगता है, और बस हल्दी और नमक और उस पर है ना मैगी मसाला डाल दिया था। मैगी मसाला भी मेरे पास है ना ये जो
पाव जाते हैं, ये 5 रुपये का एक आता है, इसमें से भी आधा बचा हुआ था तो वो ही मैंने डाल दिया था, लेकिन बस बच्चे इसी में खुजा हो जाते हैं और बस सॉस डाल के खाते हैं। ब्रेकफास्ट लंच ब्रेकफास्ट ही होगा। और फिर मुझे है ना ये मसाला कम लग रहा था तो मैंने हल्की सी मिर्च डाल दी थी, उसमें भी चिक चिक कर रही थी बेटी, दोनों ही मिर्च मसाले कम खाते हैं। पर जब मैं बनाती हूँ ना मुझे उसमें कलर सा नहीं आता तो अच्छा सा नहीं लगता। और फिर हम अपना खाना खाने के बाद, इन्होंने बच्चों ने यहाँ पे कुछ नहीं खाया था और ना ही इन्होंने बाहर से भी खाया था, फिर मैंने बना तो दिया था, वो इसी में उनका पेट भर गया था। और फिर मैं हम गए थे मॉल, मॉल में टिफ़िन चाहिए था, इसको टिफ़िन ख़राब हो रहा है बेटे का, कितने दिनों से, कई महीने हो गए, वो मार्च में भी गया था थोड़े दिन स्कूल, लेकिन उसके बाद जब भी नहीं था, वो बस बेटी का ही लेके जाता है। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा था तो मैं फिर अभी भी उसको ऐसे ही बेला फुसला कर ले आई, लेकिन वो चूना लगा ही देता है, उसने वहाँ से फिर कुछ ना कुछ खरीद ही लेता है, पता नहीं क्या लिया था, सामान भी तो हर बार जितनी बार भी जाता है ना एक सामान उसको चाहिए ही होता है। और ये है ना हमारे घर के पास ही पड़ता है, बस अगर पैदल भी जाओ तो 10 मिनट लगते नहीं हैं, पास में ही है मॉल। और आते हुए फिर इन्होंने पिया था गन्ने का जूस, और दिल्ली में तो गन्ने का जूस भी है ना, ऐसा लगता है जैसे हम ऑरेंज जूस पी रहे हों, ज़रा सा देते हैं। मैंने कहा हर चीज़ की कहीं ना कहीं वैल्यू ज़रूर होती है। तो बस ऐसे ही हमने अपना संडे इंजॉय किया और फिर नाइट में गए थे ये आइसक्रीम लेने, घर से दोबारा गए थे सारा काम करने के बाद, खाना खाने के बाद इंजॉय कर रहे थे अपना संडे। तो आप लोग भी आइए, और वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, आपसे फिर मिलेंगे, बाय।